कोरोना का कहर झेल चुके देशवासियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इससे पहले जाने माने अर्थशास्त्री और शोध संस्थान RIS के महानिदेशक सचिन चतुर्वेदी ने बजट पर महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की। उन्होंने बताया कि सरकार के बजट से क्या उम्मीदें हैं। रविवार को उन्होंने कहा कि सरकार को बजट में रोजगार सृजन पर ध्यान देना होगा। इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मझले उद्योगों की सेहत सुधारने के साथ ही लोगों को स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने और 4-5 उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि नौकरी पेशा और आम लोगों के लिए सरकार कर मुक्त दीर्घकालीन बचत योजनाएं लाए। इससे एक तरफ बचत को प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरा उद्योगों के लिए कोष के स्रोत भी सृजित होंगे।